अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है कीमा और आलू। आप चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, मुझे आलू पसंद है इसलिए मैंने कीमे में आलू ऐड किया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसे अच्छे से गर्म होने के बाद तेल डाल दीजिए। तेल को थोड़ा गर्म होने दीजिए और इसमें कुछ ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तेज़पात का पत्ता है और दालचीनी की लकड़ी, काली बड़ी इलायची और 5 से 6 काली मिर्च। इसे तेल में हल्का सा भून लेंगे। देखिए, फिर ये बारीक कटी हुई प्याज मैंने 2 से 3 ले लिया था, उसे कट करके डाल दिया है। अच्छा, हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब कीमे को जो हमने वॉश करके रखा था उसे अब इसमें डाल देंगे। और जो हमारे खड़े मसाले हैं, चाहे तो आप उसे निकाल सकते हैं। जब तक ये कीमे का पानी जलता है तब तक हम मसालों को इकट्ठा कर लेते हैं जो इसमें हमें अभी डालना है। तो चलिए, ये मैंने कुछ हरी मिर्च लिया था जो लाल लाल हो गई थी, लहसुन अदरक, कीमे के हिसाब से आप सारी चीज़ें लीजिए। और ये ज़ीरा, लौंग, इलायची है। गरम मसालों में मैंने बस ये 3 चीज़ें ली हैं। देखिए, कीमे का पानी हमारा खुश्क हो चुका है, जल चुका है अच्छे से। आधा टेबल स्पून हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अब इसमें जो कटे हुए हमारे बटाटे हैं और टमाटर है, मैंने 1 टमाटर लिया है और बटाटे मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। तो आप थोड़ा लीजिए या मंदा लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बटाटे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए और सिर्फ टमाटर डाल दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक्कन लगा के रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी टमाटर और बटाटे छोड़ेंगे वो जल जाए। देखिए, पानी काफ़ी हद तक जल चुका है, थोड़ी देर और इसे पकने देते हैं। देखिए, तेल छोड़ चुका है ये कीमा, आलू और टमाटर। अब हम इसमें पीसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। मिक्सर की जार को अच्छे तरीके से वॉश करके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और ये आप रेसिपी मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। 5 से 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के इसे पकने देंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मसाला हमारा भून चुका है। जब तेल आपका छोड़ दे तब आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी आप हिसाब से डालिए, ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा गाढ़ा ना हो। 5 मिनट के बाद देखिए, ये हमारी ग्रेवी हो चुकी है अच्छे से। इसी तरीके से हमारी ये ग्रेवी रहेगी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। अब इसमें हरा धनिया कट करके डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा कीमा आलू रेसिपी रेडी है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इस डिश को नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।